दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर की बात करूंगा जिनको लोग रफी साहब का बेटा समझने लगे थे, क्योंकि उनकी आवाज हूबहू यानी काफी हद तक रफी साहब से मिलती थी। एक बार तो रफी साहब ही उनकी आवाज को सुनकर चौंक गए थे कि उन्होंने ये बोला, अरे ये मैंने गाना कब रिकॉर्ड किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेबैक सिंगर अनवर की। तो आइए चलते हैं, अनवर साहब की कुछ बातें बताते हैं आपको। अनवर साहब को फिल्म में गीत गाने का चांस कमल राजस्थानी ने दिया था। एक फिल्म बन रही थी ख्वाजा गरीब नवाज, इस फिल्म के लिए कमल राजस्थानी को म्यूजिक कंपोजिंग के लिए काम दिया गया। उसमें अनवर साहब ने गीत गाया है, असमे हम अपनी जान की खाए चले गए। कसमे हम अपनी जान की। ये गीत अनवर साहब ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कराया था। हालांकि इस फिल्म में एक दूसरा गीत था जिसे अनवर को गाना था, मगर वो गाना रफी साहब को दिया गया। फिर जब रफी साहब ने वो गीत गा लिया, उसके बाद रफी साहब बाहर टूर पर चले गए। इसका दूसरा गीत रफी साहब को रिकॉर्ड कराना था, कसमें हम अपनी जान की, मगर जब रफी साहब बाहर चले गए तो कमल राजस्थानी ने इनको बुलाया यानी अनवर साहब को, और कहा कि तुम्हारे लिए एक गीत है, तुम गाओगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं, और वो गीत उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कराया। और कमाल देखिए कि जो रफी साहब ने गीत गाया था वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ और अनवर साहब का गीत ज्यादा पॉपुलर हुआ। जब रफी साहब ने ये गीत सुना तो उन्होंने कहा, अरे ये गीत तो मैंने कभी नहीं रिकॉर्ड किया, ये गीत किसका है, ये गीत किसने गाया। तो लोगों ने बताया, एक नया लड़का आया है, उसने ये गीत गाया है जिसका नाम अनवर है। उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया ये गीत गाया है उसने। एक बार की बात है कि वो किसी पार्टी में गए हुए थे, उनको देख के लोग उनसे पूछने लगे, आपके अब्बा जान कैसे हैं। उन्होंने ये सोचा कि लोग मेरे अब्बा जान के लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कई लोगों ने उनसे पूछा, आपके अब्बा जान कैसे हैं, आपके अब्बा जान कैसे हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा कि लोग मेरे अब्बा जान को कैसे जानते हैं, काफी लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि आपके अब्बा जान कैसे हैं। तो लोगों ने बताया कि ये आपको रफी साहब का बेटा समझते हैं। तब उन्होंने ये सोचा, ओ ऐसी बात है। एक बार की बात है, अनवर साहब रफी साहब के घर पहुँचे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बाहर वॉचमैन से बोला कि रफी साहब से बोलिए कि एक सिंगर है अनवर, वो आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। वॉचमैन ने अंदर जाके बोला कि साहब, कोई अनवर सिंगर आया हुआ है आपसे मिलने। तो उनकी तहजीब देखिए, रफी साहब इतने कोमल मन के आदमी थे, इतने सॉफ्ट नेचर के थे। वो तुरंत बाहर आए, उनके साथ उनके घर के एक दो सदस्य भी थे, वो भी उनसे मिलने के लिए बाहर आए और उनको लेकर अंदर आए, अनवर साहब को लेकर। अनवर साहब उनको देखते ही थर थर कांपने लगे, वो उनके सामने ऐसा करने लगे जैसे वो बहुत डर रहे हैं। तो रफी साहब ने पूछा, हाँ अनवर कैसे आना हुआ। अनवर साहब ने बोला, साहब मैं आपसे बस मिलने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ। और उन्होंने उनके पैर छुए और जाने लगे। तो रफी साहब ने कहा, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो, चलो बैठो, मिलने के लिए आए हो और जा रहे हो। फिर उन्होंने अपने पास उनको बैठाया और उस समय एक दो संगीतकार भी रफी साहब के घर पे ही सीटिंग में थे, कुछ गानों की रिहर्सल वगैरह चल रही थी। कसमे हम अपनी जान की के बाद महमूद साहब ने अनवर से मुलाकात की और उनकी आवाज़ सुनी, वो काफी प्रभावित हुए अनवर से। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें आगे फिल्म बनाऊंगा तो चांस जरूर दूंगा। उस समय एक फिल्म बनने वाली थी जनता हवलदार, जिसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। महमूद साहब ने कहा, उस फिल्म के लिए अनवर को दो गीत मिले थे, एक था तेरी आँखों की चाहत में और दूसरा गीत था हमसे का भूल हुई। जब तेरी आंखों की चाहत में रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद राजेश खन्ना साहब को वो गीत सुनाया गया, तो राजेश खन्ना साहब ने कहा, वाह रफी साहब ने काफी समय बाद इतने मूड में ये गीत गाया। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। तब महमूद साहब ने बोला, नहीं ये रफी साहब ने ये गीत नहीं गाया, ये एक नया लड़का आया हुआ है, उसने ये गीत गाया है। तो राजेश खन्ना काफी प्रभावित हुए इस बात से कि वाह काफी हद तक रफी साहब से उनकी आवाज मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी रफी साहब तो बाहर गए हुए हैं, तो जो दूसरा गीत भी है वो भी इनसे ही गवा लीजिए। तो महमूद साहब ने कहा, ठीक है दूसरा गीत भी इससे ही गवाते हैं। और दूसरा गीत उन्होंने हमसे का भूल हुई रिकॉर्ड कराया। और ये गीत ऐसा बना कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जिधर भी लोग घूमते जाते रहते ये गीत गुनगुनाते रहते थे। ये गीत काफी हिट हो गया। बाद में रफी साहब ने सुना इस गीत को और इस गीत को सुनते ही उन्होंने बोला, काफी अच्छा गीत गाया है अनवर ने। तो ऐसे ही अनवर की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद एक फिल्म बन रही थी मनमोहन देसाई साहब की नसीब, जिस फिल्म में एक गीत था जिंदगी इम्तिहान लेती है।
इस गीत में अनवर साहब ने आवाज दी थी। जब ये गीत रिकॉर्ड हो चुका और पेमेंट की बारी आई तो उस समय रफी साहब 5,000 रुपए लेते थे गीत का, मगर अनवर साहब ने मनमोहन देसाई से 6,000 मांग लिए। इसके बाद मनमोहन देसाई साहब काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इनको 6,000 दे दीजिए, मगर आगे से ये हमारी फिल्म में अब कोई गीत नहीं गाएंगे। यहीं से उनका करियर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। इन्होंने एक गलती और करी। एक फिल्म थी प्रेम रोग, इस फिल्म में ऋषि कपूर हीरो थे। इस फिल्म में एक गीत था, ये प्यार था या कुछ और था, उसमें एक लाइन रफी साहब को गाना था, मगर रफी साहब उस समय मौजूद नहीं थे इंडिया में। तो राज कपूर साहब ने कहा वो रफी साहब की तरह एक सिंगर जो है गाने वाला अनवर, उसको बुलाओ। तो उनको अनवर साहब को बुलाया गया और ये गीत गवाया गया। उन्होंने काफी अच्छा ये गीत गाया, राज साहब भी काफी खुश हो गए। अनवर साहब ने अपनी जुबानी में ये बात बताई, अनवर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जब ये गीत रिकॉर्ड हो चुका और राज साहब काफी खुश थे, उन्होंने एक पार्टी में मुझे इनवाइट किया और मेरे सामने शराब की बोतल रख दी और कहा चलो एंजॉय करो पियो, मगर मैंने मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा। हालांकि उसके पहले राज कपूर के साथ वो एक पार्टी में पी चुके थे, उस समय उन्होंने मना कर दिया। बाद में ऋषि कपूर साहब से कुछ उनकी कहा सुनी हुई किसी बात पर, और ऋषि कपूर साहब ने अपने पिताजी से कहा कि आगे से ये फिल्म में ये गीत नहीं गाएंगे। अब राज कपूर साहब असमंजस में पड़ गए कि बेटे की सुनू या अनवर की। इसके बाद फिल्म में अनवर साहब को गीत नहीं दिया गया, सारे गीत सुरेश वाडेकर से गवाए गए। तो दोस्तों ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनका करियर डाउन होना शुरू हो गया और एक दौर ऐसा आया उनको गीत मिलना कम हो गए। धीरे धीरे उम्र की बढ़ान के साथ उनका कैरियर डाउन होता गया। तो दोस्तों ये थी अनवर साहब की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि अनवर साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या क्या बताया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।